देश की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली भाजपा सुशासन के दावे करती है, लेकिन मध्य प्रदेश के नवीन जिले में उसकी सरकार के कुशासन से हाहाकार मचा हुआ है। महूगंज कलेक्टर के संरक्षण में विगत एक वर्ष से खुलेआम घूसखोरी और भ्रष्टाचार से उस वक्त पर्दा उठ गया जब 5,000 की घूस लेते लोकायुक्त पुलिस के द्वारा पकड़े गए अपर कलेक्टर ने ही यहाँ के गंभीर हालातों को पूरी तरह से उजागर कर दिया। आपको बता दें कि इसी तरह से जिले भर के हजारों किसान भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार हैं, जहां पर मऊगंज के पकड़ा निवासी भूमाफिया से जुड़े नटवरलाल ज्ञानेंद्र पांडे उर्फ मुन्ना ने तहसील और पटवारी के साथ साठ गांठ कर ग्राम पकड़ा थाना तहसील मऊगंज में स्थित ग्राम रकरी पटवारी हल्का वर्तमान रकरी के भूमि स्वामी कमलेश्वर प्रसाद, दामोदर प्रसाद, बैकुंठ प्रसाद, बलराम प्रसाद, कृष्ण प्रसाद सभी के पिता अश्विनी हिस्सा 1/3, सचिकांत पांडे, अरुणेंद्र कुमार तनय राजेंद्र प्रसाद पांडे हिस्सा 1/3, रामाधार तनय ब्रजनंदन हिस्सा 1/6, नरेंद्र कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार तनय हरिशरण, अवधेश तनय चक्रधर हिस्सा 1/6, ग्राम रकरी की भूमि के भूमि स्वामी सहित अन्य कई किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन को कूट रचित दस्तावेज से हड़प लिया। इसके शिकार किसानों ने वर्ष 2023 में मऊगंज कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मामले की जाँच एवं कार्यवाही की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन जब इन अधिकारियों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तो अंततः थक हारे किसान अपनी जमीन को बचाने के लिए मऊगंज न्यायालय में मामला दायर किया जो कि अब विचाराधीन है। तो वहीं सितंबर 2023 में पुलिस अधीक्षक मऊगंज से नीलेश्वर कुमार पांडे द्वारा शिकायत दर्ज कराते हुए कहा गया कि कूट रचित दस्तावेजों में भूमि स्वामियों की उपरोक्त भूमियों को नीलेश कुमार के नाम खसरा वर्ष 2018-19 से दर्ज कर दिया गया है, जिसे नीलेश्वर पांडे ने अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराते हुए इसे पूर्णतः गलत बताया है। उन्होंने कहा कि मेरा सही नाम नीलेश्वर पांडे है, नीलेश नहीं, तथा उपरोक्त भूमियों में मेरा नाम गलत रूप से दर्ज कराने वाले मेरे ही गांव के ज्ञानेंद्र कुमार पांडे उर्फ मुन्ना तनय शिव प्रसाद पांडे ग्राम पकड़ा द्वारा अन्य व्यक्तियों को बार बार विक्रय करने का दबाव बनाया जा रहा है और ऐसा नहीं करने पर उन्हें मारपीट और अपहरण की धमकी दी जा रही है, जो कि बीते माह यह धमकी सही साबित हुई और आरोपी ने उल्टा उन्हें और उनका बीच बचाव करने वालों के खिलाफ झूठी मारपीट की शिकायत दर्ज कराई, जबकि वह अपने मंसूबों में सफल नहीं होने पर मौके से भागने के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें आरोपी ने मऊगंज थाना में उल्टा किसानों पर ही मुकदमा दर्ज करा दिया। आइए आपको सुनाते हैं किसानों ने किस तरह से प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी, यहाँ पर एक विवाद अभी हुआ है जमीन से जुड़ा हुआ, पूरा बताया जा रहा है, तो क्या है, किस तरह से ये जमीनी विवाद? तो चूँकि हम लोगों की जमीन पचपहरा में थी और ये आज की जमीन नहीं है, पैतृक है, पुस्तैनी, ये 40 एकड़ जिसका वो किया है, ये सन 1923 में, कौन ये 40 एकड़ वाली जिसकी, कौन व्यक्ति कौन है जिसका, ये इनके नाम नीलेश्वर के नाम करवा दी गई, करवाने वाला वही ज्ञानेंद्र पांडे मुन्ना। अच्छा, ज्ञानेंद्र पांडे और मुन्ना पिता शिव प्रसाद पांडे जी, कहाँ के रहने वाले? ये सब पकड़ा के ही रहने वाले हैं और ये सब यही इनका पेशा ही चलता है, और ये पूरी पचपहरा की जमीन जो हम लोगों के और पतियारी के पटेलों के सह खाते में थी, तो ये 7-8 में इसका फैसला लिए और इसके बाद 15-16 में आकर के इसको कार्य रूप में दिए और पूरे रिकॉर्डों की हेरा फेरी हुई, तब से हम लोगों को ज्ञान में आया, तब से हम लोग इसके पीछे परेशान हैं और ये जमीन इधर उधर भूमि के जो माफिया लोग हैं उन्हीं को बेच रहे हैं, ये लगातार बिक्री हो रही है और जो माफिया भी खरीदे भी हैं वो भी औने पौने दाम पर इसको बेच रहे हैं। ये इसका हम लोगों ने विवाद भी किया है, इसकी दीवानी चल रही है अभी भी। तो 2017-18 का मामला है, आप लोगों ने शिकायत कहाँ की है? शिकायत इसकी सक्षम अधिकारी जो थे कलेक्टर को भी दिया गया, एसपी को भी दी गई, थाने में भी दिया गया, एसडीएम के पास दिया गया, फ्राड को लेकर। एसडीएम उस समय जब संस्कृत जैन थी तो हम और हमारे बड़े भैया श्री कमलेश्वर प्रसाद पांडे जा करके और उनसे व्यक्तिशः मिले और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको संज्ञान मिले रहे हैं और इसको पूर्व स्थिति में वापस करेंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। वो फाइल यहाँ से उठ करके रीवा चली गई और रीवा में क्या हुआ आज तक हम लोगों को पता ही नहीं चली। तब हम लोगों ने उसकी दीवानी दायर किया जिसका प्रकरण अभी भी चल रहा है सिविल न्यायालय में और वो पटेल लोग जो थे
उनका पूरा नाम ही हटा दिया गया, उस पूरी जमीन से उनका पूरा नाम हटा दिया गया, वो लोग भी दीवानी दायर किए हुए हैं। इसमें पता चल रहा है कि इस खरीद फरोख्त में बुद्धसेन पटेल बहुत से लोग हैं सर, इसमें बुद्धसेन हैं, बुद्धसेन के लड़के हैं, और वहाँ पूरे का नाम भी नहीं मालूम है। और यहाँ तक हुआ है कि एक दिन में 12 रजिस्ट्री हुई है। कौन से बुद्धसेन पटेल की बात कर रहे हैं? ये तमरा देश अभिषेक पटेल उनका लड़का, अभिषेक पटेल उनका लड़का, विधानसभा का चुनाव लड़े, हाँ लोकसभा का वही है। तो इसमें न पुलिस कार्रवाई करी, न यहाँ के प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी, और जो भी कार्यवाही किए होंगे, लेकिन हम लोगों के संज्ञान में इनकी कोई कार्यवाही आज तक सामने नहीं आई। तो कार्रवाई होती तो मतलब ये रिकॉर्डों में भी वो चीजें दिखती हैं। एक बार वो रामाधार पटेल ने एसपी को लिखा था, जब उस समय मऊगंज जिला नहीं था रीवा, तो रीवा से यहाँ आया था मऊगंज में, और उसमें हम लोगों ने 4-6 लोगों ने कलमबंद बयान दिया था वहाँ। बाद में वो बोले कि हम इसको सबके बयान को कंपाइल करेंगे और फिर वहाँ भेजेंगे, लेकिन वो भेजे कि नहीं भेजे आज तक हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिली, और न ही इसकी कोई जानकारी हो पाई। और इन्हीं वजह मतलब जो ये मारपीट और अभी विवाद हुआ, तो ये सब यही वजह के चलते, हाँ इसी फ्रॉड के चलते जबरन रजिस्ट्री कराना चाहता था। एक बार इनको ले भी गया है धोखे में रख के, इनको रीवा ले गया कि वहाँ चिरहुला में भंडारा है, चलो खाना पीना बनाएंगे वहीं, लेकिन यहाँ से ले जा करके रजिस्ट्रार ऑफिस में सीधे खड़ा किया और वहाँ से रजिस्ट्री करा लिए। 40 के लगभग फूम है, हाँ 40 एकड़ टोटल, हाँ नहीं टोटल हेरा फेरी जितनी होगी, तो टोटल का फ्रॉड तो टोटल में हुआ। हाँ फ्रॉड टोटल में हुआ, ठीक है 13 चुकी है, बाकी भी चल रहा है। ये 40 एकड़ जो था, 40 एकड़ में हम लोग सिर्फ 3 लोग पट्टेदार थे अपने ही घर के, हैं जी। और कौन कौन था? हमारा श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे, कमलेश्वर प्रसाद पांडे, और रामाधार, और इधर हमारे अवधेश प्रसाद, 4 लोग थे, 4 लोगों के थे। सबके नाम विलोपित, हाँ उस नहीं ये हाँ। चूंकि हम लोगों की थी ही पहले से शेष रकबा जो था लगभग 50-60 एकड़ का है, शेष रकबा में हम लोग भी पट्टेदार थे और ये पटेल लोग भी पट्टेदार थे, उसको भी पूरा हेरा फेरी कर दिया गया। हाँ 100 एकड़ की हेरा फेरी है। अब इसका मामला न्यायालय में चल रहा है, इन्हीं वजहों से अभी आए दिन कहीं इसके नाम नामांतरण हो जाता है, कहीं इसके नाम नामांतरण हो जाता है, और ऐसे लोगों के नाम नामांतरण होता है जो उनके कहने पर सीधे न्यायालय पहुंच जाएं और रजिस्ट्री करवा दें, और उस रजिस्ट्री का थोड़ा बहुत पैसा उनको मिलता है जिसके नाम होती है, और शेष पैसा वो सब अपने लगातार जारी, हाँ लगातार जारी है, अभी भी चल रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की मिली भगत है? नहीं ये तो हम नहीं कह सकते कि प्रशासन की मिलीभगत है, किंतु प्रशासन यदि इसमें एक्टिव होता तो शायद ऐसा ना हो पाता। राजस्व की कहीं ना कहीं भूमिका होगी, नहीं तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हाँ यदि ये कहा जाए ये सब अखबार में भी इस्तहार आपने कराया क्या? अखबार में भी इस्तहार कराया था सर, बावजूद इसके कोई कार्रवाई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। आज भी का काम धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन जितनी रजिस्ट्रियां होती हैं, यहाँ मऊगंज में भी रजिस्ट्रार ऑफिस है, किंतु यहाँ मऊगंज में एक भी रजिस्ट्री नहीं होती, सब रीवा में होती हैं, सब अवैध है। हाँ ये सब रजिस्ट्री रीवा में होती हैं, और रीवा में रजिस्ट्री होकर के और फिर यहाँ से नामांतरण की कार्यवाही होती है, और उसमें एक आध दो में हम लोगों ने आवेदन भी किया था कि इसका नामांतरण न किया जाए, किंतु उसमें हम लोगों के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया गया और वो आराम से उनका नामांतरण हो गया। तो रजिस्ट्री जो हुई है वो अवैध है? हाँ जो रजिस्ट्री है वो सब फ्रॉड है, अवैध। हाँ ग्राम पकड़ा क्या है यहाँ पर जो विगत एक हफ्ते सुनाई दे रहा है कि असल में ये अभी थोड़ा सा विवाद हुआ है, इनको नीलेश का अपहरण करके और रजिस्ट्री करवाने के चक्कर में ज्ञानेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना इनका अपहरण करके ले जाना चाहता था रजिस्ट्री करवाने। ये कहाँ के हैं ज्ञानेंद्र मुन्ना? ज्ञानेंद्र मुन्ना पकड़ा के ही हैं। जो ज़मीन नीलेश कुमार पांडे की नहीं है, यहाँ तक कि राजा बांधवेश के ज़माने से वो रिकॉर्ड हमारे लोगों के बीच में आ रहा है, जिसके मुश्तरका खातेदार लगभग 17-18 लोग हैं। अब जिसमें नीलेश कुमार का या नीलेश कुमार के पिताजी का या उनके बाबा का
किसी भी तरह का स्वामित्व नहीं था। मुन्ना उर्फ ज्ञानेंद्र ये ले जाके कहीं से फराटगिरी करके और हर जगह पर नीलेश कुमार का नाम लिखवाया और नीलेश कुमार का नाम लिखवा के उन सारी ज़मीनों को रजिस्ट्री करवाना चाहता था। उन 100 एकड़ ज़मीनों में लगभग 50 एकड़ ज़मीन के अंदाजन हम लोगों की दूसरे के नाम रजिस्ट्री करवा दी गई। इनके कुछ साथी हैं जो भूमाफिया हैं, ये स्वयं धंधे से भूमाफिया है, अपनी ये सिग्नेचर कहीं नहीं करता, इसका गिरोह है और उस गिरोह से ये सिग्नेचर करवाएगा और सिग्नेचर करवा के लोगों का अपहरण कर करके और ले जाता है और ज़मीन रजिस्ट्री करवा देता है। रजिस्ट्री होने के बाद जब नामांतरण दूसरे के नाम होता है तब हम लोगों को इस बात की पता चलती है। काफ़ी खोजबीन के बावजूद इसी तर्ज पर अगले वर्ष नीलेश कुमार को खाना बनाने के बहाने के चिरहुलन में हमारा भंडारा है तो वहाँ चलो खाना बनाने, और खाना बनाने के लिए नीलेश कुमार को लेके यहाँ से गया और हमारे दो नंबर थे उसमें 1331 और 1466 जिनका रकबा लगभग 8.5 एकड़ का था। उस ज़मीन को बुद्धसेन पटेल, रमेश पटेल इनके नाम पर उनसे नीलेश कुमार से जबरन रजिस्ट्री करवा दी गई उनके नाम। जब रजिस्ट्री हो गई और उनका नामांतरण यहाँ हुआ तब हम लोगों को इस बात का पता चला, जिसकी सूचना हम जाके तहसील वहाँ थाना में दिए कि ये अपहरण किया और कलेक्टर साहब के यहाँ दिए। कलेक्टर साहब बोले कि ठीक है ये बात मेरे संज्ञान में है, इसका मैं ढंग से जांच करवाऊंगा। इतनी बात बोल के हम लोगों को वापस कर दिए। मऊगंज कलेक्टर एसपी से भी आप लोग मिले? हाँ, एसपी से भी मिले, उनके पास ये आवेदन दिए तो बोले कि ठीक है मैं इसकी जांच करूंगा। अब इसके बाद नीलेश कुमार को अभी 3 तारीख को वही ज्ञानेंद्र उर्फ मुन्ना इनसे नदी के पास कहीं मुलाकात हुई और बोला कि जो ज़मीन ये 40 एकड़ उस ज़मीन को बुदरहवा बोलते हैं खेत को, तो तुम्हारे नाम मैं अपना पैसा लगा के करवा दिया हूँ, तो उस ज़मीन का मैं एग्रीमेंट कर चुका हूँ बुद्धसेन पटेल से, उसके लड़के अभिषेक पटेल एवं अर्चना पटेल से मैं एग्रीमेंट करवा चुका हूँ और उसका समय ज़्यादा हो चुका है और तुम्हारी ज़मीन जो है तो एक तरफा होने के वजह से वो लगता है कि अब इन लोगों के नाम हो जाएगी तो आज तुम्हारे नाम है तो चलो इसकी रजिस्ट्री करवा दो। तो नीलेश ने बोला कि मेरी ज़मीन नहीं है, मैं नहीं करवाऊंगा। तो बोला कि कल सुबह या तुम नहीं जाओगे तो जबरदस्तन घर में घुसकर और पकड़ कर तुमको ले जाऊंगा और रजिस्ट्री करवाऊंगा, जो करना होगा तो कर लेगा, यदि नहीं जाओगे तो तुम्हें जान से मार लूँगा। अब सुबह सब कोई अपने अपने काम धाम में जो जहाँ थे, अब नीलेश अपनी गाय वो कहीं बांधने गया था, यहीं गाँव में एक चक्की है तो वहीं गाय वो अपनी बांधने गया, वहाँ से लौट के आया तो आगे उसका खेत है नीलेश का, तो वहाँ पर ये चारा घास निकालने लगा खेत का। उसी बीच में ये 3-4 लोग आए, ज्ञानेंद्र और इसके साथ साथ ही एक लड़का ये नागपुर में रहता है दीपक नाम का है, स्वप्निल जो इनका लड़का है ज्ञानेंद्र कुमार, ये बात तो उन्होंने खुद बताया पांडे का, जी हाँ, इन लोग ये लोग मिलके उसको कहीं धरे पकड़े। हम लोग इधर खेत में घूम भाग रहे थे, सुबह का वक्त था तो यहाँ हल्ला हुआ, तो चूँकि थे दूर खेत से तो जब हल्ला हुआ तो ये हुआ कि हमारे बस्ती में हल्ला कैसे हो रहा है, तब वहाँ से दौड़ के आए। जब दौड़ के आए तो उस वक्त हम देखे कि मुन्ना घटना स्थल से घटकर आगे सड़क पर एक बांस का भीरा था, वहीं पर मुन्ना गिरा पड़ा है और खड़ा होकर गाड़ी दे रहा है इनको, और इसके बाद मोटरसाइकिल में बैठा भाग गया। भागने के बाद अब वो गया तो रिपोर्ट में नाम लिखवाया 3-4 लोगों का, हम लोगों का जिसका जिसका नाम लिखाया, अभी इस बात की हमको सूचना नहीं थी। नीलेश कुमार गए और नीलेश जाके पुलिस थाना में अपना एक एप्लीकेशन दिए कि हमको इस तरह से रजिस्ट्री करवाने के लिए ले जा रहे थे, मैं नहीं जा रहा था, हल्ला करने पर गांव के लोग दौड़े थे, इनका बीच बचा हुआ। इसके बाद पुलिस इस बात को देखने के लिए पुलिस यहाँ सत्येंद्र सिंह आए और घटना स्थल दिखे, देखने के बाद वो यहाँ से वापस चले गए, तो पुलिस भी इस बात पर कार्यवाही कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। अब चूँकि ज्ञानेंद्र यहाँ है नहीं, पता चलती है कि ज्ञानेंद्र रीवा में अपना मेडिकल वगैरह बनवा रहा है केस लगवाने के लिए सबके ऊपर, उसने कहा कि हमारे साथ लोगों हाँ। ने मारपीट की और वे तो मारपीट उसके साथ हमारे देख में तो हमारे देख में तो मारपीट हुई ही नहीं, हम तो जब देखे उसको आ रहे थे तो ये देखे कि मुन्ना
मोटरसाइकिल से गिरा पड़ा है, उसकी मोटरसाइकिल पड़ी है, उसके साथ ये के ये लड़का पड़ा है दीपक। तो मोटरसाइकिल कैसे गिरी? अब वही गाड़ी उसकी फिसली, टर्निंग है उस जगह पे। ये भाग रहा था? हाँ ये भाग रहा था, जबरदस्ती भाग रहा था, काफ़ी स्पीड में इसकी गाड़ी थी, तब ये वहाँ मोटरसाइकिल से गिरा। मतलब ये लोगों के इकट्ठा होने के हाँ जब लोग इकट्ठा हुए तो उसको ये भय हुआ कि अब तो सब लोग इकट्ठा हो गए, हम हमारे साथ मारपीट करेंगे तो निकल चले यहाँ से, तो ये भगा तो आगे जाके वहाँ गिर पड़ा। हम उसको गिरते हुए देखे कि ये गिरा है यहाँ, और उठने के बाद गाली ओली दे रहा था, जान से मारने की धमकियाँ दे रहा था कि इस पूरी बस्ती को मैं उड़ा दूंगा, किसी मादरचोद को नहीं जिंदा छोड़ूंगा, इस तरह की गाली ओली। अच्छा, देते हो पूरा आपने घटनाक्रम बताया, तो इसमें अवैध रजिस्ट्री कराई जा रही है? इसमें जितनी रजिस्ट्री कराई जा रही हैं तो सब रजिस्ट्री फाल्स हैं। नीलेश कुमार के नाम जो ज़मीन की गई, पहली बात तो नीलेश कुमार का पचपहरा में एक डिसमिल जमीन नीलेश कुमार के पिताजी या उनके बाबा के नाम नहीं है, जिसका सबूत रिकॉर्ड है मेरे पास, इसकी रजिस्ट्री हुई। हाँ इसके बाद वो सब की प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत मानते हैं आप? हाँ इसके बाद वो क्या किया कि हम लोगों के फाल्स सिग्नेचर बना के प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत मानते हैं आप? अब इसमें अब हम ये नहीं कह सकते, लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही है, लगातार इतनी सारी रजिस्ट्री हो रही है। हाँ रजिस्ट्री और रजिस्ट्री सूचना भी हम लोग, शिकायतें हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही, शिकायतें हो रही है, शिकायत हम लोग कर रहे हैं सक्षम अधिकारियों के पास। अब जैसे मेरा नीलेश्वर प्रसाद पांडे, ग्राम पकरा। क्या मामला है? मामला सर मऊगंज से हम आवत रहन। कब की घटना है, किस दिन? ये 3 तारीख की घटना है। 3 को? 3 को घटना हुई है, और एक दिन पहले वो हमको नदी के पास मिला था। हाँ। तो वो बोला तुमको कल मऊगंज चलना है। हाँ। तो हमने बोला मऊगंज काहे के लिए चलना है, तो बोला तुमको रजिस्ट्री कराना। कौन है? मिला? जानेंद उर्फ मुन्ना पांडे। हाँ तो हमने बोला हमारी ज़मीन नहीं है तो हम कैसे रजिस्ट्री कराएँगे। तो फिर साहब वो बोला तुमको चलना ही पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है। तो सुबह जब हुई तो उसका वो जानंद पांडे और दीपक पांडे के गाड़ी में बैठ करके आए, और फिर उसके पीछे पीछे उसके आए लोग, ये हमारे खेत के पास आए जहां मैं खेत पर घास निकाल रहा था। तो उसका लड़का स्वप्निल पांडे और उसका भतीजा और एक सुनील पांडे, ये फिर 3 बाद में आए और आ करके डायरेक्ट हमको अटैच किए और हमारा मुंह दबा लिए। मुंह दबाने के बाद हम झटक झुटक करके और ज़ोर से आवाज़ लगाया तो फिर गांव के लोग दौड़े। हाँ। तो छोड़ करके भागे, और जो गाड़ी में मुन्ना पांडे बैठा था वही गाड़ी आगे जा करके स्लिप हो गई तो गिर गया। एक बांस का भीरा था वहीं पर, उसके आँख में जो लगा हुआ है तो बांस के भीरे का छुरेहट लगा हुआ है। इसकी चोट लगी है ये बताया जाता है कि इसके साथ मारपीट? तो साहब गिरा है उसमें से गाड़ी से, तो चोट तो लगेगी ही, मुरम ही रोड है। तो मतलब मारपीट कोई नहीं? मारपीट कोई नहीं हुआ है। तो आरोप है कि लोगों ने मारपीट की? मारपीट कोई नहीं किया है। तो मतलब ये मामला क्या है पूरा, ये पूरे ये मामला पिछले साल साहब हमको ऐसा इसी तरह का, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। वो मतलब हमको ज़मीन बेचने के लिए बोल रहा था कि चलना है तुम्हारे नाम से, मैं ज़मीन करवा दिया हूँ, इतना पैसे लगा दिया। ज़मीन है पचपहरा की? किसके नाम से? वो सर हमारे गांव के लोगों की ज़मीन है, और हमारे नाम वो अकेला करवा दिया। अब ये कैसे करवाया साहब, मैं बाहर रहता था, ऐसे रोटी सोटी बनाता था, खाना पीना, तो अपना पेट चलाता था साहब, कैसे से कैसे साला फंसा दिया हमको। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला सर फिर ले गया वहाँ हमको रीवा खाना बनाने के बहाने, और वहाँ खाना पीना कुछ नहीं था साहब, ले जा करके कोर्ट कचहरी में 15-20 आदमी थे वहाँ, उन लोगों के साथ कर दिया, अपना साला पीछे भाग गया। और मैं डर के मारे साहब, वो बोले अगर तुम नहीं करोगे इसमें साइन हाँ तो तुम्हारे को फिर घर जाना मुश्किल हो जाएगा, मैं जान से ख़त्म कर दूँगा, नहीं तो करना ही पड़ेगा। तो फिर रजिस्ट्री करवाइए लोग? फिर ये लोग रजिस्ट्री करवाए कि क्या करवाए, हम कुछ नहीं समझता था साहब। हाँ इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो आपको पैसे मिले क्या? पैसे बोला तुम्हारे खाते में, पहले हमको 1,000 रुपये दिया, जब वहाँ पर गए जहाँ फोटो वोटो खींचती है तो वो पूछे हमारे से कि पैसा मिला, तो हमको 1,000 दिया था साहब, तो मैं बोला हाँ दे दिया है, पैसा मिल गया है। और फिर बाहर में आए तो वो बोला तुम्हारे खाते में 12.5 लाख रुपये गया है। गया? फिर मैं गया 12.5 लाख देखने के लिए खाते में, तो साहब 6 लाख रुपए हमारे खाते में था। 6 लाख? जी। और ये पूरी रजिस्ट्री फर्जी? पूरी रजिस्ट्री फर्जी है सर, पूरा दस्तखत फर्जी है।
कहीं रिपोर्ट किया आपने? रिपोर्ट मैं डाला हूँ सबके यहाँ, कलेक्टर के यहाँ डाला हूँ, एसपी के यहाँ डाला था और थाने में भी डाला। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई कुछ नहीं हुई? कार्रवाई तो अभी तो कुछ नहीं हुआ उसके बारे में, नहीं हुआ है उसी की वजह से ये ज्यादा हाँ हो रहा है। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हेल्पलाइन नंबर 90 74 51 46 14।